हेमकुंड साहब जाने की हमारे सभी सिख भाई बहनों की इच्छा रहती है, लेकिन कठिन है, हम नहीं जा पाते। अब वो एक रोप वे बना रहे हैं, रोप वे बनाएंगे तो अन्य जो श्रद्धालु हैं बड़ी आसानी से जाएंगे, बर्फ रहता है लंबा समय तक बर्फ रहता है। उसी प्रकार से हमने करतारपुर कॉरिडोर बनाया। हकीकत तो जब भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, 93,000 सैनिक भारत के सामने सरेंडर किए थे, भारत के कैद में थे। उस समय जब बातचीत हुई पाकिस्तान के साथ, तो उस समय हमें एक शर्त करनी चाहिए थी कि गुरु नानक देव जी के लिए हमारा अपवित्र स्थान है करतारपुर साहब, वो हमें मिलना चाहिए, लेकिन ये उनको सुझा ही नहीं। तो क्या होता था आपको जानकर हैरानी होगी, हिंदुस्तान की सीमा के उस पार करतारपुर साहब है, तो यहाँ पर एक टावर जैसा बनाया है, टावर से लोग दूरबीन से करतारपुर साहब को दर्शन करते थे और कतार लगती थी, उसके लोग आते थे। ये मैं जब पंजाब में पहले काम करता था, मैं ये सब परिचित था, मुझे एक दर्द होता था कि ऐसा अपमान कैसे हम सह सकते हैं, ऐसी हमारी मजबूरियों की जिंदगी क्या होती है। मैंने आकर के यहाँ कोशिश की और आखिरकार रास्ता निकला, आज वहाँ हमारे लोग आराम से जा सकते हैं, दर्शन करके वापिस आ सकते हैं, और बहुत ही सुंदर वहाँ व्यवस्था खड़ी कर दी हमने। तो करतारपुर साहब कॉरिडोर जो बना है वो भी ऐसा ही।